दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी। आप मेरी सुंगली सासु माँ से क्यों करते हो दोस्तों? कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। सगाई और शादी के बीच से महीने के अंतराल में सुहानी अपने होने वाले पति से ज़्यादा उसके भाई माधव से अपना लगाव महसूस करती थी। करती भी क्यों ना हो, दोनों ही हम उम्र होने के साथ साथ संसल और खुले विचारों के भी थे। पति केशव और देवर माधव दोनों ही मुंबई महानगरी में एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। शाम को माधव थोड़ा जल्दी आ जाता और कभी कुछ खाना बना लेता या कुछ बाहर से ले आता। केशव का काम रात के बर्तन साफ करने का था। सुबह जो पहले जागता झाड़ू लगाता और बाद में जागने वाले का काम पोछा लगाने का होता। रविवार की सुबह दोनों भाई मिलकर वॉशिंग मशीन लगाते और हफ्ते भर के कपड़े निपटाते। ये सारी जानकारी माधव ने ही सुहानी को दी थी। सुहानी इस बात से बहुत खुश थी कि दोनों भाई अपना अपना काम करने के साथ साथ घर का काम करना भी जानते हैं, उसे भी दोनों से मदद मिल जाएगी। सुहानी की अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 22 साल। पढ़ाई पूरी होते ही पिताजी को एक अच्छा लड़का और घर बार मिला और शादी तय कर दी। शादी के बाद मुंबई जैसे शहर में रहने के बड़े बड़े सपने संजो कर सुहानी मन ही मन रोमा सिंध उड़ती थी। आखिरकार वह दिन भी आया जब सुहानी शादी करके विदा होने के बाद ससुराल में कुछ दिन बिताकर अपने पति के साथ उसके घर आ गई। अपनी माँ की बनाई हुई भरी पूरी गृहस्थी में रहने वाली सुहानी ने जब बैसलर्स का घर देखा तो पल भर को तो वह गज खाकर गिरने ही वाली थी। कहने को दो कमरे थे मगर एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा, छोटी सी रसोई जिसमें गिनती की दो थाली, सार कटोरी, दो गिलास, 5 चम्मच थे खाना पकाने के बर्तनों में, एक कुकर, कढ़ाई, तवा, समसा और करसी, और हाँ साकू और सिलर को तो भूल ही गई, सीनी और नमक छोटे छोटे डिब्बों में थे। अलावा लाल मिर्च का, रामदेव का छोटा सा खुला हुआ पैकेट, छोटा सा साई पत्ती का पैकेट, देसी घी का छोटा सा डब्बा और एक डब्बे में थोड़े से चावल। दोनों कमरों में दो गद्दे और उन पर पुरानी सी सादरे, सुने जाने आखिरी बार कब धुली होगी। अंदर के कमरे में एक साइड में फोल्डिंग चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर दोनों के पैंट शर्ट और रोजमर्रा के कपड़े सलीके से बने हुए रखे थे। उनको एक पुरानी साड़ी से ढका हुआ था। बस इतनी सी ही गृहस्थी थी उन दो भाइयों की, जहाँ पर अब एक औरत भी आ चुकी थी। उन लोगों को पहुँचते रात हो गई थी तो खाना रास्ते में ही खा लिया था। पर अगली सुबह सुहाना की असली जंग शुरू हुई जब उसने सफाई के लिए झाड़ू मांगी। झाड़ू जो सालों पुरानी लग रही थी और देख कर ही समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सफाई के लिए है या पिटाई के लिए। जैसे तैसे सुहानी ने साफ सफाई की, लेकिन फिर नाश्ते का क्या करे। देवर माधव जल्दी से जाकर नीचे की दुकान से ब्रेड और मक्खन का पैकेट ले आया जिससे सबका नाश्ता हुआ। दोनों भाइयों के ऑफिस चले जाने के सुहानी ने घर के सामान को बारीकी से जांचना परखना शुरू किया और बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ों की सूची बनाई। 3 दिनों के बाद सुहानी के पापा उसको मायके के लिए लेने आने वाले थे। उसने सोचा कि जो भी जरूरत का सामान है पापा अच्छे से देखभाल करके ले आएंगे, क्योंकि वह तो बाजार से सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लेना ही जानती थी। 3 दिनों में उसकी सूची 5 पेज लंबी हो गई थी और आज पता लगा था कि मम्मी ने पापा की छोटी सी आह में कैसे कैसे अपनी गृहस्थी जोड़ी होगी।
मायके से सारा सामान जोड़ने के बारे में उसने इसीलिए सोचा क्योंकि वह और उसके घर वाले नहीं जानते थे कि मुंबई के घर में क्या सामान है और क्या नहीं। लेकिन उसके सास ससुर तो आते ही रहते थे, बल्कि उसकी शादी के पिछले महीने ही यहाँ से होकर गए थे। फिर भी उन्होंने ना कुछ बताना जरूरी समझा और ना ही यहाँ के लिए कोई सामान खरीदना। मायके में पापा ने उसकी लिस्ट के हिसाब से हर छोटा बड़ा सामान ला दिया। साथ में मम्मी ने भी घर से कुछ नई क्रॉकरी, नई सादरी और खाने पीने के सामान का भी इंतजाम कर लिया। सुहानी जब भी अपने मायके जाती तो ऐसे ही सामान की लिस्ट बनाकर ले जाती, क्योंकि मुंबई में सामान बहुत महंगा मिलता था और उससे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सुहानी ने मुंबई में एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी क्योंकि एक की सब कमाई से घर तो चलता है लेकिन बचत नहीं हो सकती। सुहानी की नौकरी के पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सारे घर का काम वो अकेले संभालती और दो सब्जी सब लेकर आती, मगर नौकरी के बाद समय की कमी होने लगी। उसके मन में ख्याल था कि पति और देवर तो पहले भी घर के काम खुद किया करते थे और अब तो उसे सिर्फ थोड़ी सी मदद चाहिए। पति देव ने तो सुबह को पोसा लगाने का काम पकड़ लिया, लेकिन देवर जी मदद के नाम पर कुछ उखड़े उखड़े दिखे। शाम को 6 बजे घर पहुंचने वाले देवर जी अब 8 बजे के पहले नहीं आते और आने के बाद सीधा फोन पर किसी ना किसी से बात करने लगते। जब सुहानी कुछ मदद के लिए कहती तो उनका जवाब होता, भाभी जरूरी मीटिंग में हूँ। नई नवेली शादीशुदा जिंदगी में सुहानी किस से क्या कहे, कौन उसकी फरियाद सुनता, कहीं उसके मन की बात को उसकी शिकायतें ना समझ लिया जाता। जिस देवर को अपना भाई सरीखा दोस्त समझ रही थी ऐसे रंग दिखाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था, मगर सच्चाई को प्रमाण की क्या आवश्यकता। यही सब सोचकर उसने अपने पति से भी कुछ नहीं कहा और सुबह साफ कोहलू के बैल की तरफ पीसने लगी। पति से कहकर सुहाना ने सब्जी और दूध वगैरह लाने का काम देवर के हवाले किया। रविवार को वह सबके कपड़े अकेले धोती, वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी लेकिन सर्दियों में ठंडे पानी में कपड़े निचोड़ना, ठंडे पानी से बर्तन साफ करना, नाश्ता खाना साफ सफाई हर काम अकेले करने में सुहानी की हालत खराब हो जाती थी। छोटी सी सैलरी में मैड नहीं रख सकती थी और मदद की उम्मीद भी बेमानी सी हो गई थी, क्योंकि मदद मांगने पर जवाब मिलता कि एक ही तो संडे मिलता है, मैं थोड़ा सा आराम करने को संडे इसका मतलब तो सुहानी भूली सुखी थी, क्योंकि संडे तो शादी से पहले घर पर मिलता था, अब तो संडे के दिन एक्स्ट्रा काम करना होता। दोनों भाई आराम से रजाई में बैठकर मूवीज देखते और नाश्ते का इंतजार करते, ऐसा लग रहा था मानो कि सुहानी एक मशीन है जो सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर अपना टिफिन बनाकर ऑफिस जाए, शाम को आकर खाना बनाए, बर्तन साफ करे और हंसते मुस्कुराते हुए सबको बड़े प्यार से खाना परोस कर भी खिलाए। सुहानी के पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। ऑफिस में थोड़ा सा ब्रेक मिलने पर मम्मी पापा या किसी से फोन पर बात कर लेती, बस इतना भी टाइम था उसके। हाँ कभी कभी रविवार को थोड़े से टाइम के लिए पार्लर जरूर चली जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे एक बात परेशान कर रही थी कि वह अपने पति से अगर कोई भी बात करती है या उसने किसी दिन बाहर से खाना मंगवा लिया या रात में बर्तन गंदे छोड़ दिए या रविवार को सबके उठने से पहले नाश्ता बनाकर पार्लर चली गई, बाद में आकर कपड़े धुले और तो और अगर वो और पति केशव अंदर के कमरे में दरवाजा बंद करके कुछ समय अकेले में बिताते, ये बात भी उसे सासू माँ के मुँह से
सुनने को मिल जाती ये सब बातें उसकी सास तक कैसे पहुंच जाती हैं। और तुरंत ही उनका फोन आ जाता उसे सुनाने के लिए। एक रविवार पति केशव के एक दोस्त ने उन दोनों को लंच पर बुलाया। उसने सुबह का नाश्ता बनाकर जल्दी से सारे कपड़े निपटाए, फिर तैयार हो गई देवर के लिए। दोपहर का खाना नहीं बना पाई थी तो उन्हें आज के लिए बाहर से खाने को कह दिया, या शायद तो खुद बना ले। जैसे ही दोस्त के घर पहुंचे केशव गाड़ी पार्क कर रहे थे और स्वानी इंतजार कर रही थी, तभी सासू माँ का फोन आया। और स्वानी के हेलो बोलते ही उन्होंने ताबड़तोड़ बरसना शुरू कर दिया। सुहानी को समझ आया कि देवर जी की जो दो घंटे सब पर फोन पर मीटिंग चलती है वह असल में होती किसके साथ ही। सुहानी को लगता था कि सही सासू माँ पति केशव की उसके खिलाफ कान भरती है। और वही सासू माँ को सारी जानकारी देते शादी से सगाई के बीच देवर जी का जो भोला भाला रूप उसने देखा था काश की तरह टूटकर बिखर चुका था। सासू माँ के सब खुद तो माल उड़ाने निकल गए और मेरे बेटे को भूखा छोड़ दिया। सुहानी को दुख से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या इतनी छोटी सी बात पर ऐसा तमाशा होना सही है कि सुहानी ने केशव को कुछ नहीं बताया। बहुत लंबे समय के बाद उसे केशव के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताने को मिला था और वही समय को क्वालिटी टाइम बनाकर बहुत सारी यादें समेटना चाहती थी। घर आकर माधव को केशव के सामने ही पूछा कि आपको अगर हमारे लंच पर जाने से परेशानी थी या आपको मेरा ही बनाया हुआ खाना खाना था तो मुझे कहते सासू माँ से शिकायत करने की क्या जरूरत थी। स्वामी की बात सुनकर केशव सत्ते में आ गया और भाई से बोला कि जब तुम बिना बताए हफ्ते में दो तीन दिन बाहर से खाना खाकर आ जाते हो और घर का खाना बर्बाद होता है, क्या स्वानी किसी से तुम्हारी शिकायत करती है। भाई का ऐसा रूप देखकर माधव घबरा गया और हकलाने लगा कि माँ से बात करती है, मुंह से निकल गया। केशव ने माँ को फोन करके समझाया कि स्वानी अपना हर फर्ज अच्छे से निभा रही है, इसलिए आगे से उसे ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि मेरे छोटे भाई को अपना भाई ना मान पाए। केशव ने अपने भाई को भी समझाया कि वह यहाँ की बातें वहाँ ना करे और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह अपने लिए दूसरा कमरा ढूंढ ले, अगर यहीं रहना सही तो केशव और स्वानी दूसरी जगह रहने चले जाएंगे। केशव ने न सिर्फ अपनी माँ और भाई को अच्छी सीख दी बल्कि स्वानी को भी ये जता दिया कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे अटूट और गहरा होता है। शायद स्वानी ने उससे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन स्वानी के त्याग और समर्पण को वह भली भांति देख और समझ पा रहा था, इसलिए समय पड़ने पर उसने स्वानी का साथ दिया ना कि अपनी माँ और भाई का।